दरअसल जब भी हम घरों में होते हैं तो खाना खाना हमारा डेली रूटीन है, जो कि आप जानते हैं। कई लोग पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं तो कई लोग स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं, कई लोग कांच के बर्तनों में खाना खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने और खाने से क्या नुकसान होते हैं? आपके लिए लेकर आई हूँ यही विशेष बात, ताकि आप जान सके कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से और पकाने से आपको क्या हानि पहुँच सकती है। टिप नंबर वन, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से एल्जाइम का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो उस वजह से हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया भी स्वस्थ नहीं रह पाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जरूरी यही है कि आप हमेशा एल्यूमिनियम के बर्तनों में अपने खाना पकाने की आदत को बदल दें। टिप नंबर टू है पागलपन। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाने से पागलपन तक हो सकता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो उसके केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे मस्तिष्क को कमजोर करते हैं। इस परेशानी से अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है कि आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना बंद कर दें। टिप नंबर थ्री, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर काफी केमिकल्स होते हैं, जो कि खाने के संपर्क में आके उस केमिकल को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए परिणाम स्वरूप अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो उसकी वजह से आपकी याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। नंबर फोर, उदासी। जी हाँ, आपके उदास होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप लगातार एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं। जी हाँ, उदासी का कारण सिर्फ यही नहीं है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फिर बिजनेस में लॉस हो गया हो, हमारे पर्यावरण से, हमारे खाने के तरीके से भी हमारी उदासी साफ झलकती है। इसीलिए अगर आप ज्यादा उदास रहते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को और भी ज्यादा डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान और उदासी महसूस होती है। नंबर फाइव, किडनी में भी खराबी हो सकती है यदि आप लगातार एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि अपने घर के एल्यूमिनियम के सारे बर्तनों को फेंक दीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अपने घरों के अंदर स्टील के बर्तनों और नॉनस्टिक पैन को भी यूज कीजिए। ऐसा करने से आपके खाने में तेल मसाला तो कम लगेगा ही, साथ ही साथ एल्यूमिनियम के बर्तनों में होने वाले बैक्टीरिया भी आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बाकी बर्तनों में भी खाना पकाने की। एल्यूमिनियम हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसी के अंदर खाना पकाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप स्टील के बर्तनों में खाना पकाएंगे तो भी आपकी सेहत काफी अच्छी बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, एल्यूमिनियम के वो बर्तन जिन पे आप आज तक निर्भर थे और अपना खाना रोजाना पकाते थे, वो भी आपकी सेहत को बिगाड़ने के लिए काफी जिम्मेदार हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी सेहत को अच्छा बनाना है तो उन एल्यूमिनियम के बर्तनों से हटकर स्टील या फिर नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।